आमदन से जायद असासे बनाने के मामले पर दफ्तर खारजा के साबिक डायरेक्टर शफकत चीमा को नैब कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 14 रोज का रिमांड दे दिया। जानते हैं नौमान मकसूद से, नौमान अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिएगा। मैं भी शायद बहुत अहम पेशरफ हुई है जिसमें मुल्जिम के वकील की जाने से लैपटॉप और जो इसका मोबाइल था वो मांगा है, जिसे नैब ने जो है वो देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि केस की तफ्तीश जो है वो जब तक हो रही है ये लैपटॉप और जो मोबाइल है इसके अंदर बहुत अहम सबूत हैं जो हवाले नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ जो केस का जो मजीद पेशरफ है उसके हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया है कि इस केस के अंदर अब तक क्या पेशरफ हुई है, जिस पर नैब कोई खातफा जवाब नहीं दे सकी, जिस पर अदालत ने मुजरिम का जो जुडिशल रिमांड है उसमें जो मजीद 14 रोज की तौसी कर दी है और ये कहा गया है कि आइंदा समाअत पर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तफ्तीश के हवाले से वो पेश किया जाए। तो मुकदमे की समाअत जो है वो 14 रोज तक मुलतवी कर दी गई आज से। जी मैं शुक्रिया नौमान मकसूद।